अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप। नंबर वन, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, के इन अ ग्रुप जी देयर इज़ ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट, के हर ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता। तो इसका प्रूफ करते हैं। सपोज आइडेंटिटी इज not unique and let E prime be another identity E and E prime being identities हुई है। हमने सपोज किया कि आइडेंटिटी, तो पहले हमने सपोज किया कि आइडेंटिटी यूनिक नहीं है, फिर हमने एक और आइडेंटिटी ले ली ई प्राइम, ठीक हो गया। तो हमारे पास दो आइडेंटिटी होगी, एक ई और एक ई प्राइम। तो ई प्राइम, और यहाँ पे ऑपरेशन हमारा कुछ भी हो सकता है, ये स्टेरिक है, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। तो पहले हमने लेफ्ट साइड पर ई प्राइम लिखा, अब हम राइट साइड पर लिखेंगे ई प्राइम, ठीक हो गया, बाकी सारा काम यही। तो अगर आंसर हमारा ई प्राइम आए तो इसका मतलब ई हमारी आइडेंटिटी है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट वही होता है जो किसी एलिमेंट को चेंज ना करे, उसको उसकी फॉर्म में ही रखता है, जो है वो वही रहता है। तो ये देखो, ऐसा करने से, ये ऑपरेट करने से हमारे पास ई प्राइम आया दोनों तरफ से, तो इसका मतलब ई इज़ एन आइडेंटिटी। इसको कहते हैं इक्वेशन वन। सेम ऑपरेशन अब हम करते हैं यही नीचे जो ऊपर किया। तो इस बार हम कहते हैं कि यहाँ पे आंसर आया ओनली ई, ऊपर ई प्राइम आया, इधर ई आया, तो इसका मतलब यहाँ पे ई प्राइम इज़ एन आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी किसी एलिमेंट को चेंज नहीं करती, तो इसका मतलब ई प्राइम यहाँ पे आइडेंटिटी है। तो इसको हम क्वेश्चन टू कह देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट के ई प्राइम इज इक्वल टू ई। तो देखो, जो हमने ई प्राइम एक अनदर आइडेंटिटी ली थी, वो पहली आइडेंटिटी के बराबर आ गई, तो इसका मतलब यही है कि हर ग्रुप में एक यूनिक ही आइडेंटिटी होती है। दस दी आइडेंटिटी of a group is always unique second हमारा है cancellation के in a group g the right and left cancellation law holds that is बी ए इज इक्वल टू सी ए इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज बी सी बी इज इक्वल टू सी। आइए शुरू करते हैं इसका प्रूफ। हम सपोज कर लेते हैं, सपोज बी ए इज इक्वल टू सी ए, और लेट हम लेते हैं एक ए प्राइम is inverse of a, हमने a का inverse ले लिया a prime। तो जब हम इस a को इस equation में दोनों साइडों पर ना अगर हम right साइड पे multiply कराएं इस a को, इस equation के दोनों साइडों पर right साइड से हमने multiply करा दिया a के inverse से, ठीक हो गया। तो अब बाय एसोसिएटिविटी, ठीक हो गया, एसोसिएटिव लॉ लगाया हमने, एसोसिएटिविटी लॉ लगाया हमने इसके ऊपर। तो ए और ये इसका इनवर्स है, तो इसकी जब हम एक एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी आती है, ठीक हो गया। इसी तरह
जब इधर भी आइडेंटिटी आ जाएगी, जब हम एक एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगी। और आइडेंटिटी जिस मर्जी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो या ऐड हो, तो हमारे पास आंसर वो सेम ही रहता है, आंसर चेंज नहीं होता, मतलब वो एलिमेंट चेंज नहीं होता। तो हमने राइट कैंसिलेशन लॉ प्रूफ कर लिया। हमारे पास देखो बी ए इज इक्वल टू सी ए था, तो इम्प्लाई ये क्या कर रहा था, बी इज इक्वल टू सी, तो हमने यही प्रूफ कर लिया। अब हमारी बारी है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, वो भी सेम इसी तरह ही है। सपोज ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसी तरह ही लेट ए इज एन इनवर्स ऑफ ए, हमने ए का इनवर्स ले लिया ए प्राइम, तो लेफ्ट साइड पे ना, लेफ्ट साइड पे दोनों इस क्वेश्चन के दोनों लेफ्ट साइड पे ना हमने उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। बाय एसोसिएटिविटी, वही बाय एसोसिएटिविटी, ठीक हो गया। एसोसिएटिविटी लॉ के ज़रिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो जब हमने एक एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी आता है, तो हमने आइडेंटिटी लिख दी। इसी तरह इधर भी आइडेंटिटी आ जाएगा, हम रीज़न दे सकते हैं इस तरह, ठीक हो गया। इसी तरह इधर भी हम रीज़न दे सकते हैं कि हमने जब उसको एक एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। तो और आइडेंटिटी जब किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करती है होती है तो वही एलिमेंट आ जाता है। तो देखो हमने ये राइट कैंसिलेशन लॉ प्रूफ कर लिया, लेफ्ट भी कैंसिलेशन लॉ इसी तरह ही है और राइट कैंसिलेशन लॉ भी इसी तरह ही है। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। फॉर ईच एलिमेंट ए इन अ ग्रुप जी देयर इज अ यूनिक इनवर्स ऑफ ए इन जी, के हर एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक हो गया। प्रूफ करते हैं इसका। वही सपोज हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज ए प्राइम एंड ए डबल प्राइम आर इनवर्स ऑफ ए इन जी, हमने सपोज कर लिया कि इस ए के दो इनवर्स है, एक ए प्राइम एंड ए डबल प्राइम, ठीक हो गया। तो ए प्राइम को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, यहाँ पे ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो तो वही वापस आ जाता है, तो इसको ए प्राइम को हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है कि ए के दो इनवर्स है, एक ए प्राइम और एक ए डबल प्राइम, तो आइडेंटिटी की जगह हम ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने कहा है कि ए डबल प्राइम भी इस ए का इनवर्स है, तो ए और उसका इनवर्स मल्टीप्लाई होंगे या ऐड होंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी आएगी, तो आइडेंटिटी की जगह हम ये लिख सकते हैं। इसी तरह हमने एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, एसोसिएटिव लॉ लगा दिया इन दोनों पर। अब तो ये ए है और ये इसका इनवर्स है, तो जब ये ऑपरेट होगा तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, आइडेंटिटी। तो हमने इसकी जगह आइडेंटिटी लिख दिया यहाँ पे। तो आइडेंटिटी जिसमें ऐड हो या मल्टीप्लाई हो किसी भी एलिमेंट के साथ तो वही एलिमेंट वापस आ जाता है, तो ए डबल प्राइम आ जाएगा। ऊपर से हमारे पास क्या आ रहा था, ए प्राइम। तो देखो हमने दो इनवर्स लिए थे एक एलिमेंट के, एक ए प्राइम एक ए डबल प्राइम, तो हमने देखा कि दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, तो यही वजह है कि हर एलिमेंट का एक यूनिक ही इनवर्स होता है। फोर्थ हमारी है प्रॉपर्टी सॉक्स शूज़ प्रॉपर्टी, के फॉर ग्रुप्स एलिमेंट ए एंड बी, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम ए डॉट बी करें और अगर हम और हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए, ए डॉट बी करने से आइडेंटिटी आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, कि ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स ए, क्योंकि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। तो इसी तरह अगर हम बी इनवर्स ए इनवर्स को लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर
ए बी से मल्टीप्लाई करवा दे और आइडेंटिटी आ जाए इस ऐसा करने से, तो हम कहेंगे कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी जो है ये प्रूफ हो जाएगा इसका, अगर हम ऐसा कर देंगे ए बी को हम इसके लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करने से अगर आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं आइडेंटिटी आती है कि नहीं। तो ए बी इंटू बी इनवर्स, यहाँ पे हमने क्या लगाया, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ लगाया हमने यहाँ पे, ठीक हो गया। इसी तरह जब हम एक एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी आती है, तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दी, ठीक हो गया। यहाँ पे हम इंट दे सकते हैं, जी इंटू जी इनवर्स इज इक्वल टू ई। इसी तरह जब एलिमेंट कोई एलिमेंट आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई या ऐड होता है किसी एलिमेंट, जब किसी एलिमेंट को किसी आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करे या ऐड करे तो हमारे पास वही एलिमेंट अगेन वापस आ जाता है, आइडेंटिटी उस एलिमेंट को चेंज नहीं करता, तो यहाँ पे भी चेंज नहीं करेगा। तो वही जब हम एक एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। तो देखो हमने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। इसी तरह हम चेक करेंगे कि राइट साइड से बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी, तो इसको हम लिख सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी। इधर भी हमने क्या लगाया, एसोसिएटिव लॉ, ये हमने एसोसिएटिव लॉ लगाया जिस तरह यहाँ पे लगाया था। तो ए इनवर्स इनटू ए आइडेंटिटी हो जाएगी। इसी तरह आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं करती। बी इनवर्स इनटू बी, तो हमारे पास ये भी आइडेंटिटी हो जाएगी। तो जब हमने इसको दोनों साइड इसकी लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। तो इसका मतलब ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, हैंस प्रूफ।